तो दोस्तों ये है मेरा सुंदर सा कंडील, ये बना रही है अभी तोरण बल नए स्टाइल में, किसी पता नहीं क्या कारस्तानी कर रही है आज, देखते हैं बनाते हैं सब छत में बैठ जाना था, एक कट्टा ये लेके तब बना देते हैं ये सारा लगेगा इसमें। अब फाइनल लुक दिखाते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ देखने के लिए हम भी कंफ्यूज हैं। सो गाइस ये है फाइनल लुक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनीशा रांगड़ ब्लॉग में, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ऋषिकेश से, क्योंकि दीदी और अभी थोड़ी देर पहले ही देहरादून से आए, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, सो रखे हैं शायद। और मैं बना रही हूँ घर के लिए तोरण, जो दरवाजे पे लगता है उसके लिए हमने अशोक की पत्ती ला रखी है इतनी सारी, तो अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने रील्स में देखा था कि वो कैसे बनता है, बहुत सरल लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, तो हम वही बनाएंगे आज। मेरे पापा अभी गेंदे के फूल भी लेकर आ रहे हैं, तो उसी से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे वो तोरण बनाते हैं, और बहुत सुंदर कंडील वाला एक तोरण बनेगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक बाय। तो दोस्तों ये है मेरा सुंदर सा कंडील, अभी आगे आगे देखना आप कितना सुंदर बनेगा। एक ये बना रखा है मैंने, एक ये बना रखा है, और इतने सारे गेंदे के फूल भी है, तो इन सबको जोड़ के देखना मैं कितना एक सुंदर सा तोरण बनाऊंगी दिवाली के लिए। और हर साल हम हाथ से ही बनाते हैं, पिछले दो तीन सालों से तो हम अशोक के पत्तों की माला बना रहे हैं, हाथ से ही बनाते हैं, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग देखा है, और ये मैंने रील्स से देखा था। अगर आप लोगों के पास ये किसी के पास रील्स आई होगी तो आप समझ गए होंगे, और इतना सुंदर बनेगा, आगे आगे आप देखते रहना। हेलो दोस्तों, सो मैं सो के उठ चुकी हूँ, क्योंकि हम आए हैं ऋषिकेश से, तो थक वक लग गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा आराम कर रही थी, और मन्नी ने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी, आप सभी ने देखा होगा। बाकी ये बना रही है अभी तोरण बल नए स्टाइल में, कुछ पता नहीं क्या कारस्तानी कर रही है आज, देखते हैं कैसा बनता है, लास्ट तो आपको तभी दिखेगा जब ये पूरा बन जाएगा। बाल्टी भी रखी हुई यहाँ पे, इतना तो मैंने बनाया छत की, अरे इतना तो बन चुका है ये, देखो फाइनल तो आपको बाद में बताएंगे जब पूरा बन जाएगा, अभी तो फिलहाल इतना सारा सामान फैला रखा है, ये फूल मार्केट से लेके आया, और मार्केट में आज बहुत ज़्यादा, आज के त्यौहार है तो त्यौहार के टाइम भीड़ तो होनी है, खचाखच भरा हुआ पूरा बाजार, तो पापा लेके आए ये फूल, और ये भी मार्केट से लाए, ये वाले भी। तो मन्नी कर रही है जरा तैयारी, तोरण बन रहा बल जो ही बन रहा होगा, तब देखेंगे फाइनल बाद में, ये लगेगा मेन फ्रंट गेट पे। बाकी खाना वाना अभी हमने खाया ही नहीं है, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो मैं करके आए थे देहरादून से, खाना मम्मी ने बना दिया है, अभी मेरी बुआ का लड़का भी आया है नीचे, तो उसी के साथ बैठे हैं अभी गप्पे वप्पे लगाने में, तो अभी हमने चाय वगैरह दी थी उन्हें, तो खाते हैं कि थोड़ी देर में खाते हैं बल, तब तक मन्नी की फरमाइश क्या था, ब्लॉग मैंने बनाया है अब तो बना, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं अकेले अकेले ही लगी हुई, यहाँ कोई है भी कौन यहाँ मदद करने के लिए। शुभम गांव जा रखा था, शुभम तो अभी पहुँच रहा है साथ में बुआ का लड़का भी, वो गांव से अभी आए, और चुटकी जा रखी है जॉब में ना, चुटकी जॉब में जा रखी है, कौन करेगा मदद, मम्मी अपने कामों में लगी हुई है, खाना पीना साफ सफाई, तब बड़ी मुश्किल से ये लेके आए, लगी हुई थी सुबह से कि जल्दी लेके आओ मैंने बनाना है, तो ये लाए पापा, बाकी अब बनी गया, लगभग इसमें कितना टाइम लगेगा पता नहीं क्या बना रही है, मैंने वो उसने रील वगैरह में देखा ना, वो सब नया क्रिएशन जरा, मेरी जितनी भी क्रिएटिविटी है वो दिवाली के दिन जागती है, बाकी दिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दिवाली के दिन मुझे पसंद है कि मैं अपने हाथ से ही बनाऊँ,
और ये मेरा कंडीले, अभी आप इनका फाइनल देखना जब ये सजेगा, इतना अच्छा बनेगा बिल्कुल। अच्छा भी लगता है ना त्योहारों के दिन, हाथ से बनी हुई चीजें मुझे अच्छी लगती है। हर साल हम अशोक के पत्तों की माला बनाते थे, थोड़ा अलग पूरे इनकी भी बना रही थी हमने, इनको मोड़ माड़ के पहले छोटे। अब तो कहाँ लोगों को इतना इंटरेस्ट, सब बाजार से माला वाला लाते हैं। लेकिन बनानी चाहिए वैसे घर में ये सब चीजें ना, अच्छी लगती हैं आम के पत्तों की। पहले बुआ लोगों का, तो अब बुआ लोग भी पहले बनाते थे, सब छत में बैठ जाना था, एक कट्टा ये लेके तब बनाते थे हम। चलो खैर कोई बात नहीं, अब सब आर्टिफिशियल हो गया, वो ही लाते हैं सब मार्केट से। मनी का मन हो रहा तो तब बना ही देते हैं, अच्छा लगता है, पिछली बार भी बनाया था उसमें। चलो अब सीधा फाइनल दिखाएंगे आप सभी को, ये पूरी माला कैसी बनी है। डिज़ाइन तो अभी ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, बुआ भी कह रही थी, बुआ भी आई थी ना, कि अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कैसा लगता है, कैसा बनता है, फिर आपको फाइनल दिखाएंगे बाद। बाकी तैयारी वगैरह तो सबके यहाँ अभी चल ही रही है, हमारे यहाँ भी चल ही रही है दिवाली की। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो दोस्तों ये बन गए हैं मेरे, जो मैंने तोरण बनाना है उसकी तैयारी। ये छोटे छोटे कंडिल और ये ऐसे, और ये फूल हैं जिनका मैं भी इस्तेमाल करूँगी बनाने के लिए। तो अभी आप देखते रहना ये कैसा बनेगा आगे। तो दोस्तों ये आधी माला बन चुकी है, दिखाई मैंने ऐसे में ये बन चुकी है, और आधी उधर उनको भी दिखा एक, ये सारा लगेगा इसमें। अब फाइनल लुक दिखाते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ देखने के लिए। हम भी कंफ्यूज हैं, हम भी कंफ्यूज हैं आखिर ये बन क्या रहा है। बाकी देखते हैं फाइनल बनने वाला है। इतना तो निपटा दिया उसने, ये सारे इसमें सेट होंगे पता नहीं कैसे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिवाली का इस तोरण के फाइनल लुक को। सो गाइज ये है फाइनल लुक, ये बना, इसमें मेहनत करी है मनी ने आज दिन भर, उसके बिना उसने आज खाना भी नहीं खाया दिन भर। पहले मैं ये पूरा कर लेती हूँ और ये बन चुका है फाइनली। अब जैसे भी बना होगा नहीं पर अच्छा लग रहा है, और ये लगेगा अब गेट पे, फ्रंट गेट पे। कमेंट करके बताना कैसा लोग लग रहा है, ठीक है, आप लोग भी बनाना फिर ऐसे। मनी की मेहनत, क्या बोलेगी मनी, बहुत मेहनत से बनाया है, मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है इसलिए मैंने बनाया है। खासकर दिवाली के दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बनाना। कैसा लगा आप सबको कमेंट में जरूर बताना, आप सबको ये कैसा लगा, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। एक बार ऐसे मम्मी को भी अच्छा लगा ये। हाँ बुआ भी आई थी ना, बुआ ने भी बोला क्या बना रही, बोली आज ऐसा ये है फाइनल, अब हम लगाएंगे इसे सीधा गेट पर। मिलते हैं सीधा गेट में आपको जब लग जाएगा। तो ये लग रहा है हमारा इतना सुंदर वाला तोरण। तो दोस्तों आप सब कमेंट में जरूर मेरी तारीफ कर देना कि आपको ये कैसा लगा, ये मेरी मेहनत, एक घंटे की मेहनत मेरी, एक डेढ़ घंटे की, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब मेरी मेहनत सफल भी, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही बना है एग्जैक्ट, जैसे मैंने अपने माइंड में इमेजिन किया था। और ये काम मैंने अकेले किया है, ये सब मेरी शकल देख रहे थे, खैर बिजी थी, मम्मी को कुछ नहीं कह सकते कि मम्मी दिन भर घर की सफाई पता नहीं क्या लगी हुई थी। तो आप सब जरूर बताना कमेंट में, मेरी तारीफ जरूर कर देना कि आपको ये मेरा ये तोरण कैसा लगा दिवाली वाला। तो गाइस बन के हमने लगा दिया है तोरण, ये मन्नी की पूरी मेहनत है आज दिन भर की, इसने खाना भी नहीं खाया, खाना खाएगी कि नहीं अभी नहीं खाया दोस्तों, टाइम हो गया।
जरूर बनाना दिवाली में। अच्छा लग रहा है, बहुत शुभ माने जाते हैं घर के लिए, इसीलिए सभी लोग आप देखते होंगे अशोक के पत्तों का ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। हर साल हम माला बनाते थे, लेकिन इस बार मैंने कुछ नई क्रिएटिविटी करी है। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी है, मैंने रील से देखकर बनाई थी, लेकिन जितनी भी इसमें मेहनत लगी हुई है वो बस मेरी लगी हुई है। तो आप जरूर कमेंट में बताना आप सबको कैसा लगा, मेरी तारीफ जरूर कर देना। कर देना भाई इसकी तारीफ, अच्छा बनाया है इसने। और क्या बोलते हैं, आप सभी लोग भी बना सकते हैं अपने यहाँ। और बाकी हमारा डेकोरेट हो चुका है, लड़िया वड़िया सब लगी, सभी की लगी है आस पड़ोस में। देखो अब दिखाएंगे रात का नज़ारा। अब मिलते हैं सिद्ध ब्रेक के बाद। बाय बाय, रात में मिलेंगे।